दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HBS स्टडीज पे। तो आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो मोस्ट सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट और हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहेगी आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर, वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी। तो दोस्तों, पेप्सी कंपनी जो है उसके न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा सलमान खान। सलमान खान को पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा। तो दोस्तों, ला लीगा जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ला लीगा जो है ये एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा, जो कि वाइस कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र मोदी, जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा। तो दोस्तों, पूमा कंपनी जो है उसके न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा सुनील छेत्री। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील छेत्री, जो कि एक इंडियन फुटबॉलर हैं, जिनको कि पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ पे बात हो रही है इंडियन आर्मी की, जिसको कि हम भारतीय सेना भी कहते हैं। इंडियन आर्मी स्टेब्लिश हुई थी 1895 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और दोस्तों, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इंडियन आर्मी डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी। तो दोस्तों, जीएसटी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जीएसटी का। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूगल डुओ। तो दोस्तों, गूगल डुओ जो है उसके न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा विराट कोहली। इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली को गूगल डुओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गूगल डुओ क्या है? गूगल डुओ एक HD वीडियो कॉलिंग ऐप है, जो कि गूगल की है। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल स्टेब्लिश कब हुई थी? तो आंसर होगा सितंबर 1998। और गूगल जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। गूगल के CEO भी आपको पता होनी चाहिए। गूगल के करंट CEO हैं सुंदर पिचाई। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेड बस। तो दोस्तों, रेड बस जो है उसके न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रेड बस के। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाई WHO हेपेटाइटिस बी ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों, WHO ने हेपेटाइटिस बी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? तो हमारा आंसर होगा अमिताभ बच्चन। WHO ने हेपेटाइटिस बी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अमिताभ बच्चन को। यहाँ पर एक वर्ड आया है WHO। WHO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO स्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO की अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट है असद हाफिज। असद हाफिज याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ब्रांड अम्बेसडर ऑफ मेक इन इंडिया। तो दोस्तों मेक इन इंडिया जो है, जो कि एक इंडियन कैंपेन है, उसके ब्रांड अम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा पीयूष खंबट को मेक इन इंडिया का ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है, जो कि चेयरमैन है रसना कंपनी के। रसना कंपनी जो है, जो कि एक ड्रिंक कंपनी है, उसके चेयरमैन है पीयूष खंबट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स के ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा आयुर्वेदिक योगा। तो दोस्तों हरियाणा में आयुर्वेदिक और योगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा बाबा रामदेव। हरियाणा में योगा और आयुर्वेदिक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बाबा रामदेव। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पल्स पोलियो। तो दोस्तों पल्स पोलियो की जो वैक्सीन दी जाती है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पल्स पोलियो का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कार्स 24। तो दोस्तों कार्स 24 जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कार्स 24 का। कार्स 24 एक वेबसाइट है जिस पर आप अपनी पुरानी कार सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पे। तो दोस्तों भारत पे ऐप जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा सलमान खान। भारत पे एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफरिंग ऐप है, या फिर कह सकते हैं कि एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं सलमान खान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे। तो दोस्तों फोन पे ऐप जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा आमिर खान। फोन पे भी एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है भारत पे की तरह, जिसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं आमिर खान। तो दोस्तों ये दोनों एप्स जो हैं ये डिजिटल इंडिया के लिए एप्स बनाई गई हैं। इंडिया को डिजिटली मजबूत बनाने के लिए ये ऐप स्टार्ट की गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीएसएनएल। तो दोस्तों बीएसएनएल जो है, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा मैरी कॉम। बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर है इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है राज्यसभा की। यहां पर बीएसएनएल आया है, तो बीएसएनएल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बीएसएनएल की फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। तो दोस्तों एडिडास कंपनी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा हिमा दास। एडिडास कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है हिमा दास। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम स्टेट। तो दोस्तों सिक्किम स्टेट जो है इंडिया की, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा ए आर रहमान। सिंगर ए आर रहमान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सिक्किम स्टेट का। यहाँ पे सिक्किम स्टेट आई है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्किम स्टेट की कैपिटल क्या है, तो सिक्किम स्टेट की कैपिटल है गैंगटॉक। और दोस्तों सिक्किम इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जो अपनी बाउंड्री टच करती है तीन देशों से। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिश टीवी। तो दोस्तों डिश टीवी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है डिश टीवी का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेबीएल। तो दोस्तों जेबीएल कंपनी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा रणवीर सिंह। तो दोस्तों जेबीएल कंपनी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। यहाँ पे जेबीएल जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंपनी है, जिसके हेडफोन्स और स्पीकर्स बहुत फेमस हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो को आप दो तीन बार देखें तो आपको ये क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया कैंपेन। तो दोस्तों फिट इंडिया कैंपेन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा शिल्पा अग्रवाल।
शिल्पा अग्रवाल को जल्द ही फिट इंडिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन एम्बेसडर, तो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के? तो हमारा आंसर होगा जॉन अब्राहम। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं इंडियन एक्टर जॉन अब्राहम। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समाजवादी किसान इंश्योरेंस स्कीम एम्बेसडर, तो दोस्तों समाजवादी किसान इंश्योरेंस स्कीम जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इंडियन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है समाजवादी किसान बीमा योजना का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीआरपीएफ, तो दोस्तों सीआरपीएफ जो कि एक पुलिस फोर्स है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो कि इंडियन एथलीट है वो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है सीआरपीएफ की, और ये रिलेटेड है बैडमिंटन स्पोर्ट्स से। सीआरपीएफ जो है उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों जो रिजर्व पुलिस फोर्स होती है वो होती है सीआरपीएफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्बेसडर, तो दोस्तों हरियाणा स्टेट में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हमारा आंसर होगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को हरियाणा स्टेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि एक इंडियन रेसलर है। साक्षी मलिक जो है ये एक इंडियन रेसलर है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएनबी, तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा विराट कोहली। इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक का। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएनबी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली में। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिबॉक, तो दोस्तों रिबॉक कंपनी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा वरुण धवन एंड कैटरीना कैफ। तो दोस्तों ये दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर्स हैं रिबॉक कंपनी के। वरुण धवन और कैटरीना कैफ दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रिबॉक कंपनी का। तो दोस्तों यहाँ पे रिबॉक आया है, तो रिबॉक एक स्पोर्ट्स आइटम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मेनली स्पोर्ट्स शूज और स्पोर्ट टी शर्ट के लिए जानी जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आसाम स्पोर्ट्स, तो दोस्तों आसाम स्पोर्ट्स जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा हिमा दास। तो दोस्तों आसाम स्टेट में जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो है हिमा दास। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम इलेवन, तो दोस्तों ड्रीम इलेवन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूबर इंडिया, तो दोस्तों यूबर इंडिया जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है यूबर इंडिया के, जो कि मेनली एक राइड शेयरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस में मैं जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनके ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमेरिकन टूरिस्टर, तो दोस्तों अमेरिकन टूरिस्टर जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारे आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है अमेरिकन टूरिस्ट के भी, जो कि एक लगेज बेस्ड कंपनी है जिसके सूटकेस बैकपैक्स और वॉलेट्स आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रोड सेफ्टी कैंपेन, तो दोस्तों रोड सेफ्टी कैंपेन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा अक्षय कुमार। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, पिछले ही कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों अक्षय कुमार जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है सड़क सुरक्षा अभियान या फिर कहें तो रोड सेफ्टी कैंपेन के। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें,
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।